लेबनान में इसराइल की सेना तबाही मचा रही है। छह दिन में अब तक हिजबुल्लाह की 440 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और इसमें हिजबुल्लाह के 20 कमांडर्स भी शामिल हैं। वहीं आईडीएफ आसमान और जमीन दोनों में ही ऑपरेशन चलाए हुए है और हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों को तबाह कर चुकी है। आईडीएफ अब तक 250 लड़ाकों को हलाक कर दिया गया आईडीएफ के हमले में और हिजबुल्लाह के 2000 ठिकाने तबाह किए गए हैं। और आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि हिजबुल्लाह के कितने ठिकाने हैं और इसराइल ने उनमें से 2000 तबाह भी कर दिए। ये दोनों ही तरफ से वार और उसके बाद पलटवार जारी है लगातार और अब 20 कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से और इसमें इतना ही नहीं 250 लड़ाकों और 2000 ठिकानों को भी खत्म करने की बात कही जा रही है। आईडीएफ के हमले में ये दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार घनघोर हमले जारी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से हों या फिर इसराइल की तरफ से, और दोनों ही तरफ से जारी हमलों में कहीं ना कहीं दोनों ही जगह रहने वाले जो आम नागरिक हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। उनका जीवन हमेशा डर के साए में बना हुआ है।